सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस बार को उस तिथि के दिन उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अच्युत फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया, बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरि प्रदोष आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बात तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए, फलहार करो उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है, तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना खाए, भोजन ना करे, फलहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलहार करेंगे एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक, ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे वो भी भाव। आपको पहले भी कहा है तुम्हारी भगवान से अगर बेर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे दिया लगा दो, पर लगाओ शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, यह पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, दो चार सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं, दो एक प्रदोष करा तुमने, अरे एक आध साल करो, सारे दरबदर भी तो अपन ठोकर खाकर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सरी,
नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो, पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। आगे वर्णन आया, प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले, भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले कर लो, अपन अकेले कम है क्या भाई, अपन कम पड़े। आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार, जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं, फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें, शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा गया, वही स्कंद पुराण का प्रदोष व्रत का वर्णन आपको शिव महापुराण के इस सुंदर संवाद में किया गया।